हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। ये वीडियो विशेष रूप से पॉलीटेक्निक से संबंधित है। जो पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2019 में, जो आप लोगों ने जिन्होंने भी पॉलीटेक्निक का एग्जाम दिया है, उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आप लोगों ने जो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना हार्ड वर्क करने के बाद एग्जाम दिया है, सो एटलीस्ट आप लोग अपनी आंसर की मिलाकर के आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कितने श्योर क्वेश्चन हैं और कितने आपने मार्क्स गेन किए हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि कितना मार्क्स आपका आया है। देखिए, और पहला क्वेश्चन आप लोगों को पता है, जिन्होंने ये एग्जाम दिया होगा, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 100 थे। और जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, 24,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे जोड़ा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग करके आए हैं। सॉल्यूशन के लिए आपको फिर से दूसरा वीडियो डाल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें सिर्फ हम लोग आंसर की पर ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्लीज, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आपके पास पहुंचती रहे और आप होने वाले हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकें, ताकि आप अगली आने वाली कंपटीशन की प्रिपरेशन में जो लाइव सेशन होता है उसको ज्वाइन कर सके। तो इसका जो आंसर है वो है 3,783। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि 10 ब्रैकेट में है ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 और cos ए माइनस बी √3/2 हो, तो ए और बी का मान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री कॉमा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके जो भी आपके जानने वालों में से जिन्होंने भी पहले पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए बराबर 4x+1/x, तो ए प्लस 1/a का मान कितना होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यदि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर हो, तो घन का विकर्ण क्या है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 6√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए यदि घनाभ का आयतन x³-7x+6 हो, तो घनाभ की सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, तो सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन ए, x-2। आप लोगों ने पेपर दिया होगा, तो आप लोगों का जो स्कोर है वो आप बताइएगा कि कितना आप लोग सॉल्यूशन सही करके आए हैं। और ये एकदम श्योर सॉल्यूशन है, कंफर्म सॉल्यूशन है, तो आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। यदि x+1/x = √3 हो, तो x³-3+1/x³, तो इसका मान बताना है, इसका मान होगा 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:12 है, तो ए जो त्रिभुज है उसका सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 120 अंश। अगला देखिए, दिए गए चित्र में कोण डी ई सी का मान A 75, B 55 और C 65 और D 45, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर² हो, तो उसका परिमाप कितना होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 10θ+sin θ और m और 10θ-sin θ बराबर एन हो, तो m² - n² का मान होगा कितना होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 4√mn। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये मैथ वाला पोर्शन है, एक लंबवृत्ती बेलन का आयतन 448 πcm³³ और त्रिज्या 7 cm हो, तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 352 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए, कोण 75 के कोटि पूरा कोण का मान क्या होगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, x log y - log z * y log z - log x, तो करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए, ये पूरा जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1। अगला क्वेश्चन देखिए, log 14/15 - log 3/5 - log 7/9 का मान होगा,
ऑप्शन बी वन। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर रेखाओं 3x + 4y - 6 इज इक्वल टू जीरो और 6x + 8y + 7 = 0 के बीच लंब दूरी है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है 9/19/10 यूनिट। तो इसका ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में, फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोग डेली होने वाले लाइव सेशन को इजीली ज्वाइन कर सकें। यदि दो गोलों के आयतनों में 1:8 का अनुपात हो तो उसकी वक्र पृष्ठ के अनुपात होगा कितना होगा, 1:4। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 10, 15 का मान बताना है आपको। तो ऑप्शन बी 2 - √3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 12x² y की पावर 3 z की पावर 2 और 18x की पावर 4 y की पावर 2 and z की पावर 3 का लासापा है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 36x² y की पावर 4 y की पावर 3 and z की पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दो बिंदुओं 3, 5 और -4, 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो ऑप्शन ए आप लोग देख रहे होंगे, 3x - 7y + 26 = 0। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सारे सॉल्यूशन है एकदम कंप्लीट श्योर है, तो आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा और इसके बाद ऑफिशियल आंसर की से भी आप लोग जब आ जाए तो वो आप मिला सकते हैं, लेकिन ये एकदम श्योर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर देख सकते हैं कि आपने कितना सॉल्व किया हुआ है। रवि 3/4 भाग काम 12 दिनों में कर सकता है, तो 1/2 काम करने में रवि को कितने दिन लगेंगे, 7 days, 8 days में से कोई नहीं या 6 days। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8 days। अगला है log s 1/125 का मान कितना है, तो -3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2x = y / y = 10 - z हो तो 1/x + 1/y + 1/z का मान होगा ऑप्शन सी, 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यदि √3x - 2 = 2√3 + 4 हो तो x का मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2(1+√3). 24 नंबर का क्वेश्चन है, cos 20 cos 30 - sin 20 sin 70 का मान होगा ऑप्शन बी, 0। यदि बिंदु 5, 5 (, इसके बाद अगले ब्रैकेट में है 10, k और -5, 1 संरेखीय हो तो k का मान क्या होगा, ये होगा ऑप्शन डी, 7। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ पोस्ट को 40 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, ये लंबाई होगी ऑप्शन डी, 400 मीटर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में कोण BAP = AT और कोण ABC = 30 हो तो कोण AQC आपको ज्ञात करना है। ये वाला कोण आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर होगा 50। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, यदि दो संख्याओं का योग 11 और उसका गुणनफल 30 हो तो संख्याएं होंगी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 6, 5। क्वेश्चन नंबर 29, यदि त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4, 6 है तो 2 - 2 और 0, 2 हो तो इसके केंद्र के निर्देशांक होंगे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 2, 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, एम लंबे और 12 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 15/√10 + √20 + √40 - √5 - √80। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, √5(1+√2)। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि द्विघात समीकरण के मूल 4+√7/2 और 4 - √7/2 हो तो समीकरण होगा ये 4x² - 16x + 9 = 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नंबर 33, 10 3 ए 10 2 ए 10 ए बराबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 3 ए माइनस 10 2 ए माइनस 10 ए। अगला क्वेश्चन है, दो सरल रेखाएं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक दूसरे पर लंब हैं, तो k का मान होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में x की पावर 0 और y की पावर 0 का मान होगा ऑप्शन सी x इज इक्वल टू 5 50 डिग्री कॉमा y इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x का मान होगा ऑप्शन सी 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स 4 अपॉन x की पावर 2 का मान बताना है आपको, सो ऑप्शन बी एक्स पावर 3 माइनस 8 अपॉन x पावर 3। अगला क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है, ऑप्शन ए 154 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाती है तो वह 3 घंटा 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5.625। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा का मान है 0, सही आंसर इसका होगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, 530.5 4.5 ए 8.5 9.5 का माध 7 हो तो ए का मान बताना है आपको, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर 72 दिनों में पूरा करते हैं तो बी और सी उसी काम को 120 दिनों में तथा बी ए और सी 90 दिनों में करें तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, दो बहुपदों और पी एक्स इक्वल टू 4x² एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और क्यू एक्स इक्वल टू 12x एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मास था 4x एक्स माइनस 2 है, तो बहुपदों का लासा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा 12x² एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, यदि √5 जो है, इसको क्वेश्चन को आप देख रहे पा रहे होंगे, 5√5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर -3/2 इज इक्वल टू ए, जो 5 की पावर a+2 हो तो a का मान क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है, समीकरण y जो 2/y की पावर 3 माइनस 2y की पावर 1/3 इज इक्वल टू 15 का हल है, ऑप्शन सी 125-27। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, 47 है, a^4 b^4 -16 c^4 के गुणनखंड हैं, तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी a^2 b^2 +4c² ab+2c ab-2c। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो और उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 864 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की मध्यिका, ये आप लोग देख रहे होंगे, आप सभी ने जिन्होंने एग्जाम दिया होगा आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका सही आंसर है 227.2 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रूट में 1 + sin x / 1 - sin x का मान होगा sec x + 10x ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एक 20 फेरों की कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लेक्स 1 सेकेंड में 0.3 वेबर से घटकर शून्य रह जाता है, तो कुंडली के सिरों के बीच की प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा 6 वोल्ट होगा, ऑप्शन डी। अगला आंसर है, एक पिंड का हवा में द्रव्यमान 75 ग्राम है, अज्ञात द्रव्य पूर्ण रूप से डुबोने पर 51 ग्राम तथा पानी में 67 ग्राम है, अज्ञात द्रव का घनत्व होगा। तो आप लोग मिलाते जाइएगा, आपके आंसर कितने सही है, 3 ग्राम अपॉन जो 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, कांच के एक प्रिज्म में बैंगनी लाल एवं हरे प्रकाश का विक्रमशः, ये देख लीजिए आप लोग, वी है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैं इसमें चारों ऑप्शन नहीं बोलूंगी, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान में परिवर्तन होगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो आसमान समानांतर बल 2N और 16N है, तो 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरे पर कार्य कर रहे हैं, बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों की परिणामी बल कार्य करेगा, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, 6 किलोग्राम तांबे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किलोग्राम शीशे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक करने में आवश्यकता होती है। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 हो तो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा होगी, ऑप्शन सी, 0.022 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने स्थित है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी होगी 36 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, एक बॉल एच ऊंचाई के खंभे के शीर्ष से छोड़ी जाती है जो जमीन तक पहुंचने में 30 सेकेंड का समय लेती है, टी अपॉन 5 सेकेंड बाद वॉल की जमीन से दूरी होगी 24/25 एच मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 डिग्री सेल्सियस ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का परिणामी ताप होगा 82.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का ब्लॉक घर्षण बल एफ के विरुद्ध 54N बल द्वारा एक खुरदरी सतह पर खींचा जाता है, तो ब्लॉक का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकेंड हो तो घर्षण बल एफ का मान होगा, ऑप्शन डी, 18 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, 2000 किलोग्राम की एक कार 18 किलोग्राम किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, कार को रोकने का कार्य करना होगा, ऑप्शन डी, 2.5 × 10^4 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है, जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय होगा, ऑप्शन ए 20 मीटर प्रति सेकेंड, 2 सेकेंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, 500 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 80 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य की एक ध्वनि तरंग को 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4×10^5 मीटर/सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है, प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा, ऑप्शन सी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संधारित्र की धारिता 3, क्वेश्चन नंबर 65 है, एक संधारित्र
की धारिता 3 माइक्रोफेरड है, यदि इसमें 108 माइक्रो का आवेश हो तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की विभवांतर होगा 36 वोल्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना का जी का मान 9.92 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है, जबकि जी का प्रमाणिक मान 9.80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो जी के मान के आकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी 1.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण और एक पतला गोली लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण एवं लेंस होंगे दोनों अवतल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। एक एलसीआर परिपथ के सिरों के बीच 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है, परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एक्स एल इज इक्वल टू 20 ओम, धारितीय प्रतिघात XC और 20 ओम तथा ओमी प्रतिरोध R इज इक्वल टू 5 ओम है, परिपथ की प्रतिबाधा होगी 5 ओम, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पी न्यूटन है, इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे से समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यू न्यूटन हो, तो ऑप्शन डी पी इज इक्वल टू क्यू आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है। वो एक 4.0 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर के सम्मुख है, तो 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, दर्पण से जो रो किरा दूरी पर एक पर्दा रखा जाए तो वस्तु का तीक्ष्ण प्रतिबिंब बन सके -37.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, इन प्रतिरोधों का मान होगा ऑप्शन बी 10 ओम और 40 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है, कण द्वारा आधा चक्कर लगाने से चली गई दूरी एवं विस्थापन में अनुपात होगा ऑप्शन बी पाई अनुपाते 2। क्वेश्चन नंबर 73। 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा 20 वोल्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु पी तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु पी पर विद्युत विभव होगा ऑप्शन डी 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका 20, ऑप्शन डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलाम है, इस बिंदु पर 20 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल होगा ऑप्शन डी 600 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से आयनिक हाइड्राइड है MgS2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। IUPAC का नाम इसमें पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 3-मिथाइल एक पेंटाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। भंजन प्रक्रिया प्रयोग में आती है परिवर्तित करने के लिए, क्या परिवर्तित करने के लिए, ऑप्शन डी उच्च अणुभार वाले एल्केन को निम्न अणुभार वाले एल्केन से, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79।
ऑस्टवर्ल्ड विधि में अमोनिया NH3 के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है PT, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80, कॉपर सल्फेट से युक्त किसी विद्युत अपघटनी शेल में 2 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रभावित करने पर कैथोड पर संग्रहित कॉपर की मात्रा है। कॉपर का परमाणु भार 63.5 होगा, ऑप्शन डी 1.184। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित किया जा सकता है। ये समीकरण आप देख सकते हैं, Ar4s की पावर 1, 3d की पावर 10, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम का मुख्य घटक पारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्न अभिक्रिया में SO2+2H2S जो रासायनिक क्रिया की गई है, 3S+2H2O, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फर का ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों हुआ है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी गैस के विसरण की दर R तथा उसका घनत्व D है, तो समांतर दाब एवं ताप की स्थिति में R, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप लोग अपनी आंसर की से इसको मिला सकते हैं, ऑप्शन बी ये वाला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Mg की पावर 2+ एवं Ar। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है वेकेलाइट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पानी की कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन डी इथाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 150 दिन है, 600 दिन बाद 1 ग्राम तत्व रह जाएगा 1/6 ग्राम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 है, तो F2O, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, डिटर्जेंट लवण है, ऑप्शन सी सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन सी। 93, एक द्विभाषिक अम्ल का तुल्यांकी भार 12 है, इसका अणु भार होगा, ऑप्शन सी। 24, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.8 ग्राम, जो 2.8 g नाइट्रोजन में अणुओं की उपस्थित संख्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.023 × 10^22। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने में काम आती हैं, तो एंटी पायरेटिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, 2-ब्यूटेनॉन का सामान्य नाम है इथाइल मिथाइल कीटोन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, Al की पावर 3+, ये आपको ये सिंबल लगा हुआ है, Mg की पावर 2+ ग्रेटर देन N की पावर 3-, ऑप्शन डी, ये इसका ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, एक कार्बनिक पदार्थ में Ca₃₈.71% हाइड्रोजन है, 9.67% तथा ऑक्सीजन है। अब देखिए, जो कार्बन है वो 38.71 जो 71% है, हाइड्रोजन 9.67% है, तो तथा ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन है वो इतना है। इसके बाद इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, Cs₃₀, Cs₃O, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, F2C इज इक्वल टू CF2 एक लक है,
लोन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पर 5.6 ग्राम CaO एवं 5.4 ग्राम CO2 देता है। दिया हुआ आंकड़ा नियम का समर्थन करता है, कौन से नियम का करता है? तो सही आंसर है द्रव की अविनाशिता का नियम, ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के 100 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, और आई होप आप लोगों ने अपने जो क्वेश्चन पेपर है उससे आपने इसको मैच कर लिया होगा, और इसके साथ ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सो आप बिल्कुल भी डाउट मत होइएगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली होने वाले लाइव टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन, थैंक यू, और पॉजिटिव रहिए, अपने आंसर मैच करिए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।